कह रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी तुमीत हमारा। चमार जाति से निकले संत रविदास आज संत शिरोमणि हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे जहरीले संत भी हैं जो चमारों और वंचित जातियों के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। संत कबीर ने कहा था, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। संत कबीर संतों को जाति से ऊपर उठकर देखने की बात कहते हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे संत भी हैं जो संत समाज पर ही कलंक बन जाते हैं, और उनकी जहरीली सोच को ठीक से समझने के लिए उनकी जाति का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। ऐसे ही तथाकथित संत हैं भद्राचार्य, राम भद्राचार्य के तौर पर जाने जाते हैं। वैसे तो खुद को जगत गुरु कहते हैं, लेकिन जगत की तो छोड़िए, वो भारत में ही एक खास जाति के गुरु बनकर रह गए हैं। सोशल मीडिया में जगत गुरु राम भद्राचार्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कई चैनलों पर चलाया भी जा रहा है, और सोशल मीडिया पर तो लोग उस पर लिख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो राम को नहीं भजता है वो दरअसल चमार है। वो राम की पूजा ना करने वालों के बारे में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुनाई पड़ते हैं। वीडियो में वो क्या कहते हैं वो हम बताते हैं। वो कहते हैं, जो राम जी को नहीं भजता वो चमार है, राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। राम भद्राचार्य तुलसीदास की लिखी जातिवादी चौपाइयों को सुना रहा था, और इसी की व्याख्या के दौरान उसने चमारों के बारे में इतनी गंदी सी बातें बोल डाली, अनाप शनाप बातें बोल डाली। राम भद्राचार्य के मुताबिक जो राम को नहीं भजता वो चमार और नीच होता है। अब आप सोचिए, ऐसे आदमी को क्या कोई संत कह सकता है? क्या संतों की ऐसी भाषा होती है? क्या संत यूं समाज में किसी जाति को लेकर इस तरह की जहरीली सोच जाहिर करते हैं? इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भी देखा जा रहा है। लोग राम भद्राचार्य की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अरेस्ट राम भद्राचार्य ट्रेंड कर रहा है, और लोग इंटरनेट के तहखाने से राम भद्राचार्य के उन पुराने वीडियो को भी निकाल लाए, जिसमें वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC समाज के बारे में गंदी बातें बोल रहे हैं। एक वीडियो में वो दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण को कोसते दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं, यदि ये OBC SC ST रहा तो फिर थोड़े ही दिन में इस भारत में नेता लोग खूनी क्रांति को आमंत्रित करेंगे और उसको कोई बचा नहीं सकेगा। तुम में दम हो तो जाति के आधार पर किया गया आरक्षण समाप्त करो। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि कथित संत राम भद्राचार्य सवर्णों को मिलने वाले सुदामा कोटा यानी EWS आरक्षण पर कुछ नहीं बोलता, जबकि उनकी जाति के लोग सबसे ज्यादा EWS का फायदा ले रहे हैं। राम भद्राचार्य ब्राह्मणों को मिलने वाले जन्मजात आरक्षण के बारे में भी एक शब्द नहीं बोलता। वो ये नहीं कहता कि सदियों से ब्राह्मणों ने मंदिरों का पुजारी बनने और धर्म कर्म का काम करने, दक्षिणा लेने में जो जन्मजात आरक्षण का फायदा लिया है वो खराब है, इस बारे में वो कुछ नहीं बोलते। उल्टे वो अपने ब्राह्मण होने पर गर्व करते हैं। एक और वायरल वीडियो है जिसमें वो अपनी जातीय श्रेष्ठता के दम को उगलते हुए कहते हैं, मैं पहले ब्राह्मण हूँ, जाओ जो करना है कर लेना। मैं पहले ब्राह्मण हूँ, फिर साधु हूँ, फिर सन्यासी हूँ और फिर एक समाज का जगत गुरु हूँ। यानी वो संत महात्मा बाद में हैं, कोई उनमें संत जैसी कोई बात नहीं, वो सबसे पहले ब्राह्मण होने पर जो है गर्व कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि जो संत कबीर कह रहे थे कि जात रहे पूछो साधु की, अब यहाँ जात पूछना ज़रूरी है। ब्राह्मण जाति से होने पर कैसे गर्व कर रहे हैं और दूसरी जातियों के बारे में कैसे अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं, इसलिए उनकी जातीय पहचान को जानना, उसको समझना भी ज़रूरी हो जाता है। अब कायदे से होना तो ये चाहिए कि राम भद्राचार्य खुद को ब्राह्मणों का गुरु कहें, लेकिन वो खुद को हिंदू धर्म के गुरु बताते हैं कि हम तो हिंदू धर्म गुरु हैं, लेकिन खुद जाति के बंधन से ऊपर नहीं उठ पा रहे। वो खुद को श्रेष्ठ और औरों को नीच कह रहे हैं। द न्यूज़ भी कैसे वायरल वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन अगर ये वीडियो सही है तो वंचित वर्गों के लिए राम भद्राचार्य के दिमाग में भरे जहर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमें इन सब में से ये सबक लेना चाहिए, जो ये वायरल वीडियो हैं, जो ये बयान है ऐसे नेताओं के और जो ऐसे बाबाओं के, इससे आपको सबक लेना चाहिए कि हम ऐसे बाबाओं के और कथित संतों के डेरों में ना जाएं और अपनी मेहनत की कमाई ऐसे लोगों पर ना लुटाएं। आप अपनी मेहनत की कमाई इन संतों को देते हो, ऐसे लोगों को देते हो, बाबाओं को देते हो, और ये लोग आपका पैसा लेके उसी से अपनी पेट फुलाते हैं, जेब भरते हैं, डेरे बना लेते हैं, मठ बना लेते हैं, और ये आपके बच्चों का भविष्य खराब करने का इंतजाम करते हैं, आरक्षण पर और मेरिट पर इस तरह की बकवास बातें करते हैं। एक वीडियो में वो कपड़ा ओढ़कर एक महिला को गुरु ज्ञान देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भला ये कौन सा तरीका हुआ गुरु ज्ञान देने का। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इसलिए ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था, हमारी लड़ाई मंदिर और मस्जिद की नहीं है, बल्कि स्कूल और कॉलेज की है।
हमें उनकी बात माननी चाहिए। कांशीराम साहेब बहुजन समाज के लिए महानायक हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी। लेकिन एक वायरल वीडियो में यही संत राम भद्राचार्य कह रहा है कि मरे मुलायम कांशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। मरे मुलायम कांशीराम, प्रेम से बोलो। सोचिए इस आदमी के दिमाग में SC ST OBC के लिए कितनी गंदगी भरी होगी। वंचित वर्गों के साथ सदियों से अन्याय हुआ है, सदियों तक उनका शोषण हुआ है। भारत में आजादी के बाद इन वर्गों को मरहम के तौर पर आरक्षण जैसी जरूरी सुविधा दी गई कि इनको कुछ फायदा मिले। इससे देश को बेहतर बनाने में बहुत मदद हुई है, लेकिन राष्ट्र निर्माण की ऐसी जरूरी व्यवस्था के खिलाफ ही राम भद्राचार्य जैसे जो लोग हैं वो बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। आरक्षण पर ऐसे घटिया विचारों को देशद्रोही की श्रेणी में डालना चाहिए कि ये देशद्रोह है और राम भद्राचार्य के खिलाफ केस दर्ज कर उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आरक्षण की उनकी क्रिटिक हो सकती है क्योंकि वो जिस जाति से हैं उनको भी अब आरक्षण मिल रहा है EWS में, तो इसका भी उनको आभास होना चाहिए। उनकी जाति खुद लाभान्वित है आरक्षण से, वो बेनिफिशियरी है उनकी जाति और उनके जो रिश्तेदार रहे होंगे वो आरक्षण का आज की तारीख में लाभ उठा रहे हैं। ऐसी हालत में इसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई टिप्पणी उनको करना शोभा नहीं देता है, ये उचित नहीं है। और क्योंकि अभी उन्होंने फिलहाल अनुसूचित जाति के बारे में एक बहुत अभद्र टिप्पणी की है, तो कानून को भी देखना चाहिए कि क्या वो उन पर सिर्फ उम्र की वजह से उनको उन पर उधार रहेंगे या सचमुच उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाए, इस तरह पर भी विचार किया जाना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि इन वायरल वीडियो की जांच करे और राम भद्राचार्य के खिलाफ SC ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करे, क्योंकि ऐसे लोग न सिर्फ संतों के नाम पर कलंक है बल्कि वो समाज में विभिन्न वर्गों में आपसी द्वेष भी फैला रहे हैं, नफरत भड़का रहे हैं। शायद ऐसे ही लोगों के लिए संत रविदास कहते हैं, जात जात में जात है जो केतन के पात, रैदास मनुष न बन सके जब लग जात न जात। संत शिरोमणि रविदास महाराज बताकर गए हैं कि जब तक जाति नहीं जाती तब तक आप इंसान नहीं बन सकते, और राम भद्राचार्य ना संत बन सका और ना ही इंसान। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। ऐसे लोगों पर, पाखंडी बाबा पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर करें, इस मसले पर लिखें क्योंकि ज़रूरी मसला है। कितनी नफरत ये फैला रहे हैं उसके बारे में आप अपना कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।